हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मयूरी। तो गाइस, मैं आज बनाने जा रही हूँ मटर की खस्ती कचौरी। तो जैसे कि सभी को पता है, अभी तो सर्दियों के मौसम चल रहा है, एंड सर्दियों के मौसम में मटर बहुत ही सस्ते में मिलती है। तो ज़रूर आपको एक बार तो ये ट्राई करना है, एंड वीडियो ज़रूर एंड तक देखना, क्योंकि इसकी जो मेन स्टफिंग है ना, इसमें जो जो मैंने इन्ग्रीडियंट्स यूज़ कर रही हूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि देख रहे हो, मैंने 1 बाउल मटर लिया हुआ है। तो आपको 5 मिनट तक इसको भूनना है। मैं इसीलिए ये रोस्ट कर रही हूँ बिकॉज आपको ये लास्ट, मतलब जितना भी आप स्टफिंग बनाओगे ना, तो फ्रीजर में फ्रोजन करके भी रख सकते हो। तो बस उसके बाद आपको ग्राइंडर लेना है, एंड इसमें मटर, हरी मिर्च, अदरक, धनिया, ये सारी चीज़ें डाल के ना आपको पेस्ट बनानी है इसकी। आप पेस्ट भी देख सकते हो मैंने किस तरह से बनाया है। तो बस ऐसे ही बनाना है आपको। एंड अगेन दूसरा पैन लेके थोड़ा सा उसमें 1 to 2 tablespoon ऑयल लेके, तो आपको इसमें सारे मसाले ऐड करनी है, जैसे कि मैं सौंफ, धनिया के बीज, क्यूमिन सीड्स, धनिया पाउडर, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स, स्वादानुसार नमक, शक्कर, ये सारी चीज़ें मिला के पहले तो मैं इसको अच्छे से भूनूंगी 5 मिनट्स के लिए। बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए, एंड इसकी वजह से क्या होता है, स्मेल बहुत ही अच्छा बढ़िया आता है, एंड टेस्ट भी बहुत बेहतरीन होता है। सो बस कंटिन्यूसली आपको इसको ना अच्छे से मिलाना है। एंड जैसे ही मिला के हो जाएगा, स्मेल भी ऑटोमेटिकली आपको आएगा। उसके बाद आपको बेसन ऐड करना है 3 to 4 tablespoon। तो अगेन ये सारी चीज़ें आपको ग्राइंडर मिक्सी में लेनी है, एंड इसका स्मॉल फाइन पाउडर बनाना है, जैसे आप देख रहे हो इसी तरह से आपको बनाना है, मीडियम फाइन बनाना है पाउडर। एंड अगेन एक पैन में थोड़ा सा 1 to 2 tablespoon ऑयल लेके इसमें सारी मसाले जो मिक्सर मैंने बनाया है और मटर का पेस्ट, ये सारी चीज़ें ऐड करके आपको बस 5 मिनट के लिए फिर से आपको ये कंटिन्यूसली मिलाते रहना है। एंड उसके बाद डो रेडी हो जाएगा, स्टफिंग रेडी हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपको स्मॉल स्मॉल राउंड में बॉल जैसे बनाना है गाइस, बना के एक साथ आपको रखना है, आप देख रहे हो। अब बनाएंगे हम डो। डो के लिए गाइस मैं ले रही हूँ 2 बाउल मैदा। आप अगर हेल्दी बनाना चाहते हो तो आप व्हीट फ्लोर भी ले सकते हो। एंड इसमें मैं ऐड करूँगी 1/4 cup ऑयल। ऑयल इसलिए मैं ज़्यादा ले रही हूँ बिकॉज आप फ्राई करते समय ना ज़्यादा ऑयल नहीं ये कंज्यूम करेगा, एंड बहुत ही खस्ती क्रिस्पी बन जाएगी आपकी जो कचौरी है, ठीक है। एंड इसमें स्वादानुसार आपको नमक ऐड करना है। एंड डो बनाते समय आपको याद रखने, बहुत अच्छे से आपको मिलाना है, एंड ग्रेजुअली पानी ऐड करने, स्लोली स्लोली आपको ये बहुत अच्छे से फेंटना है। एंड उसके बाद 15 मिनट्स के लिए आपको रखना है, सॉफ्ट बनना चाहिए, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज इसमें। एंड डो तो सॉफ्ट बनाना ही है, एंड जो भी हमने स्टफिंग बनाया ना, उसमें आपको सौंफ के बीज और धनिया के बीज बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। इसके वजह से भी टेस्ट बहुत अच्छी टेस्ट आती है, एंड आप ज़रूर ट्राई करके देखना और मुझे बताना। एंड गाइस, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। तो आप डो का टेक्स्चर देख सकते हो, सो इसी तरह से ये दिखना चाहिए, सॉफ्ट मुलायम। एंड ये तभी होगा जब आप अच्छे से फेटोगे इसको 10 मिनट्स मैक्सिमम। तो अभी मैं इसके भी बॉल्स बनाऊंगी छोटे छोटे। बॉल जो है आप देख रहे हो, मैंने साइज जो स्टफिंग के बॉल्स बनाए ना उससे थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि आप ज़्यादा स्टफिंग ऐड करोगे ना और ज़्यादा टेस्टी लगेगी आपकी कचौरी जो है। एंड अभी मैं देख रही हूँ आप कैसे मैं कचौरी बना रही हूँ, जस्ट आपको यही फॉलो करना है, इसके लिए बेलन की ज़रूरत नहीं, हाथ से ही आपको करना है। थोड़ा सा हाथ को ऑयल लगाना है, एंड बनाने बहुत ही ईजीली बन जाता है, जैसे आप मोमोज बनाते हो या आप मोदक बनाते हो उसी टाइप में बनाना है। तो बस गाइस इसको अच्छे से बनाना है आपको, बना के एक साथ रख रही हूँ। एंड गाइज आप ज़्यादा से मतलब मोर देन 15 डेज के लिए आप फ्रोज़न भी कर सकते हो, जब चाहो तक आप इसको फ्राई कर सकते हो, मेहमान आते हैं या कोई भी, तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है गाइज, स्नैक्स में बना सकते हो, किड्स को बहुत पसंद आता है, तो आप ये जब चाहो तब आप बना सकते हो, ठीक है। आप देख रहे हो मैं कैसे बना रही हूँ, बहुत ही ईजिली बन जाता है। तो इसी तरह से मैं सारी
कचौरी बना के रख रही हूँ। तो बस अभी लो फ्लेम पे गैस ऑन रखना है गाइस, ये भी इम्पोर्टेंट टिप है इसकी, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे नहीं करना है नहीं तो कच्चा ही रह जाएगा अंदर से कचौरी। अब देख रहे हो बहुत ही बढ़िया से फुले हुए, ठीक है। तो बस इसी तरह से आपको बनाना है एंड इमली की चटनी के साथ नहीं तो पुदीना की चटनी के साथ सर्व करना है। सो ज़रूर ट्राई करना गाइस, आपको ये रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो आप मुझे प्लीज़ कॉमेंट करके बताना, एंड अगर आप बनाते भी हो तब भी आप मुझे कॉमेंट करके बता देना। Thank you.